वेलकम टू आवर चैनल एक्सट्रीम। अब दबाइयो आज लेकर आए हैं आप तई जो सब तो पुरानी सेंटर थी ना, जो खलीफा थी रोड पे, वो टाइम पे हुंडई की सेंटर 2012 मॉडल GSI। बहुत बढ़िया चाली भैया गाड़ी, और बहुत लोग ने पसंद आई थी हुंडई की। इसने मार्केट बना दी थी एक, इसमें मार्केट में गाड़ी ने मार्केट बना दी थी। तो बात करेंगे इसमें उस टाइम के स्पेसिफिकेशन थी, के फीचर थे और के चीज़ मिला करती। तो सबसे पहले आउटर लुक की बात कर ले, नॉर्मल आया करती है, या ग्रिल वाइट करा रखी है, ब्लैक के ऊपर या क्रोम की हुंडई की बैजिंग आया करती। टोटल एलोजन बॉक्सी टाइप की लाइट दी जाया करती, एलोजन टर्न इंडिकेटर और नीचे एलोजन फोग लैंप मिल जाया करते। बढ़िया हैचबैक सेगमेंट में बढ़िया गाड़ी थी, इसमें आराम से 5 जने आराम से बैठ जाया करते। बढ़िया फैमिली कार थी और लोग बाग इसमें बहुत CNG लगवा कर बहुत बढ़िया चल जाया करती, बहुत बढ़िया एवरेज दिया करती। पेट्रोल में भी 17+ की एवरेज थी उस टाइम पे गाड़ी की। नॉर्मल की मिल जाया करती इस तरीके की, और की तो ओपन होया करता, सेंटर लॉकिंग मिल जाया करती, और ये ब्लैक कलर के ग्रैब हैंडल दिया करते नॉर्मल जो पहले आया करते गाड़ियाँ में। नॉर्मल साइड मिरर एंटीना कुछ ऐसा दिया जाया करता, और पीछे की लुक कुछ ऐसी थी, स्पॉइलर आफ्टर मार्केट लगवा रखा है पीछे, बीच में क्रोम की हुंडई की बैजिंग आया करती जो कि उतर रही है। हुंडई की पर इन बैजिंग दी गई है सेंट्रो, और एक्सिंग है भैया, GS वो नहीं है, एक्सिंग है पीछे बूट में भी लाइट वो चाबी लगाने का है। कोई डिफोगर वगैरह ये चीज़ थी नहीं भाई उस टाइम मार्केट में, और कोई वाइपर वगैरह या बहुत पुरानी गाड़ी लगा लो ही ना आप, कि उस टाइम पर मार्केट में इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं इंडिया में। फ्यूल लीड इस तरफ दिया गया है पीछे, टोटली एलोजन ब्रेक लाइट दी जाया करती, एलोजन टर्न इंडिकेटर वगैरह सब कुछ एलोजन में मिला करता। और भाई फ्यूल कैपेसिटी इसमें उस टाइम पर 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिला करता, और बूट स्पेस 218 लीटर का मिला करता, लेकिन सब CNG लगवा लिया करते बूट स्पेस, कुछ भी ना बचा करता। तो भाइयो इंजन स्पेसिफिकेशन बता दूं आपने, 1086 सीसी 4 सिलेंडर SOSC इंजन मिला करता, हुंडई एप्सिलन इंजन दिया गया है, पेट्रोल जो कि 62 BHP की पावर जनरेट करा करता, और 96 NM का टॉर्क एवरेज मैंने आप तक बताई थी, और ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm मिल जाए। तो ये भीतर जाल का बात करेंगे, भीतर के फीचर दिए जाए करते उस टाइम पे गाड़ी में। वैसे ज़्यादा फीचर लोडेड कार आया नहीं करती, मैंने बताई टेक्नोलॉजी कम में थी उस टाइम पे। तो भीतर बैठ के बात करेंगे, डोर पैनल ड्यूअल टोन में मिल जाया करता, डोर पैनल कंट्रोल में आपने 2 आगे की पावर विंडोज दी जाया करती, और थोड़ा सा उड़ा स्पेस दिया जाएगा, तो कोई बोतल होल्डर नहीं मिला करता। पीछे रोल डाउन विंडोज दी जाया करती। स्टेयरिंग व्हील का थी नॉर्मल हुंडई की बैजिंग गला, नॉर्मल सीट जो 4-way मैनुअल एडजस्टेबल सीट मिल जाया करे, कोई हेडरेस्ट नहीं मिला करता। यूँ इस तरफ आपने स्पीकर दिख रहा होगा, उस तरफ भी अड़े स्पीकर था, डोर डार में कोई स्पीकर नहीं आया करते, और वो आपने स्पेस दिख रहा होगा स्पीकर के साइड में वॉलेट वगैरह रखने का ही। डेड पैडल दिया जाया करता उस टाइम पर भी, डेड पैडल मिल जाया करता। तईब कैमरा मैन पर तो बुलाऊंगे यार, भीतर बैठ के दिखाऊंगे की सी गाड़ी भाई। इस साइड भी स्पीकर दिया जाया करता, और उस साइड पावर विंडो तई ओपन करता यार, यो मैनुअली एडजस्ट करने का ही। राउंड AC वेंट्स दिए जाया करते सिल्वर फिनिश के, बीच में आड़ा हजार्ड की प्लेसमेंट, कोई स्टीरियो नहीं मिला करता, और ये कुछ इस तरीके के इन आउटटेक और आउटर एयर और इनटेक तई, और एस्ट्रे जरूर दी जाया करती वो टाइम गाड़िया में, क्योंकि लोग बाग बीड़ी सिगरेट पीने के शौकीन थे उस टाइम पे गाड़। और इस तरफ भी वो दिया जाया करता 12 वोल्ट का, लाइटर लगा लो इसमें या फिर चार्जिंग का सॉकेट लगा लो। AC मैनुअल एडजस्टेबल का मोबाइल सॉरी मैन्युअली कंट्रोल्ड AC मिला करता, और ये सारे एडजस्ट करता है कि एयर आपने किस चाहिए। 2 कप होल्डर दिए जाया करते बीच में, और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स गियर। सेंट्रल कंसोल में खाली स्पेस दिया जाया करता, कोई स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं दिया जाया करता, डैशबोर्ड पूरा स्ट्रेट दिया जाया करता। बढ़िया सामान वगैरह रख लो आप, और नॉर्मल स्पीडोमीटर दिया जाया करता, नॉर्मल ओडोमीटर मिला करता मैनुअल ओडोमीटर जो कि वे चकली आला चालन आला, और इस तरफ टेम्परेचर और इस तरफ फ्यूल इंडिकेशन। तो आगे के कुछ इसी स्पेसिफिकेशन थी, पीछे चाल के पीछे है भाई अड़े थे दिखा दे, कुछ पीछे ही खास है नहीं। बेंच टाइप फोल्डेबल सीट मिल जाया करती, 3 जने आराम से बैठ जाया करते, स्पेस बतेरा था, स्पेस था जब तो लोग बागी ने लिया करते, हेडरूम आपने दिखे रहा होगा, और बढ़िया बहुत बेहतरीन गाड़ी थी यार। ईव की जो सेंटर है ना उसके मुकाबले तो 10 गुना बढ़िया गाड़ी है भैया, और स्पेस वाइज भी
बिल्ड क्वालिटी वाइज भी और लुक वाइज भी। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन थी, आडे वीडियो ने करे एंड घनी लंबी नहीं बनाओगे पुरानी गाड़ी है। तो चैनल ने लाइक करो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब करो और वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई कोई कमी है वीडियो में या फिर कोई गलत शब्द यूज नहीं कर दिया है गलती से। अपना ओपिनियन और फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट में, हम जरूर रिप्लाई करेंगे और देखेंगे। धन्यवाद, राम राम।